अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेसन 6 सिखाऊंगी जिसमें आपको से खे तक हरूफ को मिलाना बताया जाएगा। इससे पहले लेसन 5 पढ़ाया गया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो देखी होगी और उससे कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा। और कोशिश करिए कि जो वीडियोस आपको दी जा रही हैं या वक्त दिया जा रहा है, आप उसको अच्छे से करें ताकि आपकी पढ़ाई समझ में आ जाए। आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको अलिफ से लेकर टे तक सिखाया था। से ही वही शक्लें बननी हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। बे से लेकर टे तक जो शक्लें थी उसी तरीके से बनना है। आज मैं आपको सिखाऊंगी जीम का। जीम की शक्लें भी चार तरीके से बनती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये शक्ल बनी हुई है तो ये जग में रहेगा, इस तरीके से जग लिखा जाएगा। फिर है जाल, ये आपका आड़ा आएगा इस तरीके से स्लेटिंग लाइन में, जहाज, और फिर ये जज। उसके आता है चे में आप इस तरीके से बनाएंगे, चे पे चुप, चाल, चमड़ा। देखिए ये बना हुआ है यहाँ पर चमड़ा, ठीक है, ये मीम है हमारा, और ये अड़े अली चमड़ा। चोर, हे की शक्ल से बनेगा हल, हाल, हुमेरा, और ऐसे ही बनेगा हक। खे से रहेगा खत, ख्याल, खमीरा और खूबी। ये आप कोशिश करिएगा कि अपने बुक में, पुरानी बुक हो या आपके और बहन भाई की बुक्स हो, तो उसमें आप देखेंगे ये लफ्ज़ और किस किस तरीके से बन रहे हैं। इससे मुतालिक मैं आपको काम तो दे ही रही हूँ, जो आप करेंगे कॉपी में अच्छे से काम करिएगा, लेकिन कोशिश खुद से भी कीजिएगा कि ये लफ्ज़ हमारे कहाँ पर कैसे कैसे बनते हैं और किस तरीके से लिखे जाते हैं, क्या शक्ल इनकी रहती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जीम का जबर जग, जग की ये शक्ल आ गई, जहाज स्लेटिंग लाइन वाला मैंने जो बताया था कि लफ्ज़ इस तरीके से रह जाता है, और ये अलिफ में मिला हुआ है चाकू। इससे मुतालिक मैंने आपको राइटिंग बुक भी दी हुई है, राइटिंग बुक पे भी आपको काम करना है, कॉपी में भी काम करना है, और ये जो लफ्ज़ हैं ये भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और लफ्ज़ों की जो हरूफ की मिलान है वो भी आपको देखना है। दोबारा मैं पढ़ा रही हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जग, जाल, जहाज, जज, चुप, चाल, चमड़ा, चोर, हल, हाल, हुमेरा, हक, खत, ख्याल, खमीरा, खूबी। इसे लफ्ज़ और भी बन सकते हैं, खत का है, ख्याल है, खमीरा है, खूबी है, और भी जो लफ्ज़ आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, वो अपनी कॉपी पे कोशिश करिएगा, और कोई परेशानी हो तो आप मुझसे मालूम कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।